तेजस्वी यादव जी, इनके साथ की जो जमात है बिहार में जंगल राज लाने वाले लोगों की जमात है, अपराध भ्रष्टाचार को पोषित करने वाले, जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर अकूत संपत्ति जमा करने वाले और माननीय न्यायालय के द्वारा जिन लोगों के द्वारा बिहारी शब्द को कलंकित और बदनाम किया, बिहार के विकास को लूटा, अराजकता का वातावरण फैलाया, वो जमात से ये चाहते हैं। नमस्कार, हिंदुस्तान टाइम्स 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मौसम झा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव के साथ जंगल राज लाने वाली जमात है, अपराध भ्रष्टाचार को पोषित करने वाले, जनता की गाड़ी कमाई को लूट कर और कुछ संपत्ति जमा करने वाले और माननीय न्यायालय के द्वारा जिन लोगों के द्वारा बिहार शब्द को कलंकित और बदनाम किया गया, बिहार के विकास को लूटा, वो जमात से ये चाहते हैं कि जनता को भरमा के हम सत्ता में आए। साथ ही मीडिया के सवाल, चंपई सोरेन भाजपा में आ रहे हैं वाले सवाल पर उन्होंने कहा है, राष्ट्रवाद पर जो चलेंगे, सबका साथ सबका विकास का महामंत्र लेंगे तो उन सबका स्वागत है। आगे सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। ये आरजेडी के विधायक हैं अफसरुल ईमान शाहीन, जिन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को युधिष्ठिर की भूमिका में लेकर के आएंगे अपराध को लेकर के, और नीतीश कुमार जो हैं भीष्म पितामह की भूमिका में हैं, चिराग पासवान कर्ण की भूमिका में हैं और आने वाला विधानसभा में इसका जवाब देंगे। देखिए तेजस्वी यादव जी, इनके साथ की जो जमात है बिहार में जंगल राज लाने वाले लोगों की जमात है, अपराध भ्रष्टाचार को पोषित करने वाले, जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर अकूत संपत्ति जमा करने वाले और माननीय न्यायालय के द्वारा जिन लोगों के द्वारा बिहारी शब्द को कलंकित और बदनाम किया, बिहार के विकास को लूटा, अराजकता का वातावरण फैलाया, वो जमात से ये चाहते हैं कि जनता को भरमा कर हम सत्ता में आएं। अरे आपके अपने माता पिता के कारनामा से आपके पीरियड में अपराधियों का मनोबल कैसे बढ़ा? मुजफ्फरपुर के अंदर एक मंत्री को बचाने के लिए FIR तक आप नहीं होने दिए, आज भी अपराधियों को टिकट देकर विधानसभा विधान परिषद से लेकर लोकसभा तक पहुंचाते हैं। ये मानसिकता का जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, आपको कोई नैतिकता नहीं है अपराध और भ्रष्टाचार पर बोलने का। सर, चंपई सोरेन भाजपा में आ रहे हैं, क्या स्वागत करेंगे? देखिए, राष्ट्रवाद के साथ जो चलेंगे, सबका साथ सबका विकास का महामंत्र लेंगे, उन सब का स्वागत है, क्योंकि एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के मानसिकता को हम सम्मान करते हैं। राष्ट्र को कमजोर करने वाला, समाज को जातीय जहर से लड़ाने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं हैं। सर, जातिगत गणना को लेकर चिराग पासवान भी समर्थन कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने पहले ये काम शुरू किया पीएम मोदी से मिलकर। देखिए, कौन क्या किया है, सच्चाई सामने आएगा। विकसित भारत, विकसित बिहार की ओर देश आगे बढ़ चुका है, और जो जाति के नाम पर सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, ऐसे मानसिकता को जनता नकार देगी। देश को विकास चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए और मान सम्मान स्वाभिमान के साथ हर भारतीय आगे बढ़े, ये संकल्प चाहिए। तो सुना आपने, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा कह रहे हैं कि आज भी अपराधियों को टिकट देकर विधानसभा विधान परिषद से लेकर लोकसभा तक पहुंचाते हैं। ये मानसिकता का जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, आपको कोई नैतिकता नहीं है अपराध और भ्रष्टाचार पर बोलने का। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हिंदुस्तान टाइम्स 24 पर। धन्यवाद।